तो गाइज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड आज हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में दो भाइयों की आपस में लड़ाई। दो भाई दोनों ही एसर के प्रोडक्ट हैं एंड एसर नाइट्रो 5 सीरीज के ही प्रोडक्ट हैं एंड दोनों ही RTX 3060 के साथ आते हैं, बट एक Ryzen 5 5600H के साथ आता है एंड दूसरा i5 10th जनरेशन के साथ आता है। सो वेल देयर विल बी कन्फ्यूजन इन द मार्केट कि इन दोनों में से बेटर परफॉर्म कौन सा करेगा। एंड वेल द ऑब्वियस गैसेज विल बी कि Ryzen 5 5600H वाला लेना चाहिए, राइट? बट देयर आर सर्टेन रीजंस जिसके लिए मैं आपको वीडियो में किसी ना किसी पार्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि i5 10th जनरेशन वाला आप खरीद सकते हो। सो वेल देरी किस बात की, चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो आई वुड से कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। लैपटॉप फोकस्ड ये चैनल है, कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर एवरी काइंड ऑफ अपडेट्स, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए फॉर PC एंड लैपटॉप रिलेटेड हेल्प एंड फॉर बेस्ट डील्स अवेलेबल इन द मार्केट। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, आप सब जानते हो कि RTX 3060 की जो हाइप थी वो बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, एंड जैसे ही i5 10th जनरेशन के साथ RTX 3060 लॉन्च हुआ था तो सभी लोग पागल से हो गए थे कि ये लैपटॉप लेना है नहीं लेना है। बट विद टाइम आपको पता लगा था कि आपको शायद बॉटल नेकिंग का इशू देखने को मिले। बट मैंने अपने रिसर्च और डिफरेंट लोगों से बात करने से पता चला कि इतना बॉटल नेक नहीं होता, 6-7% के करीब बॉटल नेक होता है i5 10th जनरेशन के साथ। इसका रीज़न एक ये भी है कि जो आपका RTX 3060 है वो फुल पावर पे काम नहीं करता, वो 80 वॉट पे काम करता है एंड आपको डायनामिक बूस्ट उसमें 5 वॉट का देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हो 85 वॉट तक वो काम कर सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपैरिजन्स की। देखो, अगर तो i5 10th जनरेशन की जगह i5 11th जनरेशन यूज़ करते RTX 3060 के साथ तो एक बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन बनता, तो शायद उस केस में मैं आपको कहता कि i5 11th जनरेशन के साथ ही जाओ, बिकॉज वहाँ पे आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट मिलता और सिंगल कोर और मल्टी कोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। लेकिन i5 10th जनरेशन की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे एक ही रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये लैपटॉप कंसिडर करूँगा जो हम अब कंपैरिजन के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस एस्पेक्ट की। सो दोस्तों, परफॉर्मेंस एस्पेक्ट में आप सबको पता है कि क्वाड कोर प्रोसेसर आपको i5 10th जनरेशन मिलता है एक वेरिएंट में एंड हेक्सा कोर Ryzen 5 5600 मिलता है दूसरे वेरिएंट में, एंड दोनों में ही NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको स्कोर क्या देखने को मिलता है। अगर Geekbench 5 की बात करें तो 10th जनरेशन 1201 स्कोर लेके आता है एंड Ryzen 5 5600 है 1376, एंड मल्टी कोर की बात करें तो Ryzen 5 बहुत ज़्यादा आगे है 5967 स्कोर के साथ एंड i5 10th जनरेशन 4510 के साथ। अगर हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो फिर Ryzen 5 5600H आगे निकल जाता है 1229 पॉइंट्स के साथ एंड Intel 10th जनरेशन 420 पॉइंट्स पे पीछे रह जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस कंपैरिजन से तो ये चीज़ क्लियर होगी, व्हेन इट कम्स टू CPU Ryzen 5 5600H इज फार अहेड देन i5 10th जनरेशन। बट मैं अगेन आपको बता दूं कि अगर इसमें i5 11th जनरेशन होता तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना यहाँ पे है। डिफरेंस फिर भी होता, फिर भी Ryzen 5 5600H किन एरियाज में अच्छा है, बट फिर भी मैं शायद वो वेरिएंट आपको कह देता कि जाओ एंड ले लो। अब बात करते हैं दोस्तों आगे एंड उस एस्पेक्ट की जहाँ पे i5 10th जनरेशन जो है वो बाजी मारता है। दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले तो 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले फुल HD 144 हर्ट्ज के साथ दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाएगी, बट i5 10th जनरेशन विद RTX 3060 आपको 72% NTSC प्रोवाइड करता है विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, जबकि Ryzen 5 5600H 45% NTSC प्रोवाइड करता है। तो वेल, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यहाँ पे मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस रीजंस हैं कि आपको Ryzen 5 5600H के साथ नहीं जाना अगर आपके लिए RTX 3060 मैटर करता है एंड आपके लिए डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उस केस में कहूँगा कि i5 10th जनरेशन इतना भी बुरा प्रोसेसर नहीं है कि वो आपको निराश करेगा। तो इस केस में तो क्लियर विनर जो है वो i5 10th जनरेशन वाला वेरिएंट निकल कर सामने आता है। वेल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड मुझे भी सही लगा, एंड Ryzen 5 में नहीं दिया गया आपको, विच इज़ अ ड्रॉबैक आई गेस। एंड उसके बाद अगर आपको सिस्टम मेमोरी एंड रैम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता दोनों वेरिएंट्स में, एंड आफ्टर दैट USB पोर्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर 11th जनरेशन वाला इंटेल का i5 यूज़ करते तो आपको थंडरबोल्ट 4 देखने को मिल सकता था, बट i5 10th जनरेशन में वो आपको नहीं दिया गया है तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं निकल कर सामने आता। उसके बाद जहाँ तक बैटरी की बात आती है तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, 57.5 वॉट आर की 4 सेल 3 पिन 180 वॉट AC पावर अडैप्टर।
एंड जनरली आपने एक पैटर्न नोटिस करा होगा कि एसर नाइट्रो 5 में 135 वॉट के अडेप्टर आते थे, बट इस बार 180 जस्ट बिकॉज ऑफ 3060 ही आपको दिया गया है, बिकॉज 3060 की डिमांड ज़्यादा है। बट अगर फुल पोटेंशियल के साथ 3060 यूज़ करते तो फॉर ऑब्वियस रीजंस राइजन 5 5600 एच भी बॉटल नेक करता एंड i5 10th generation भी बॉटल नेक करता, बट फुल पोटेंशियल के साथ नहीं यूज़ किए गए हैं। सो ये ही एक फ़ायदा है 3060 का यूज़ करने का। एंड 180 वॉट पावर अडेप्टर मेक श्योर करेगा कि आपके कंपोनेंट्स को सफिशेंट पावर मिल सके ताकि वो अपने जितना भी उनका पोटेंशियल दिया गया है उस पर काम करें अच्छे से। सो वेल, फॉर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आप सिर्फ गेमिंग परस्पेक्टिव से, प्रोडक्टिव कामों के परस्पेक्टिव से लैपटॉप ले रहे हो तो राइजन 5 5600H, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा प्रोसेसर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कंटेंट क्रिएशन के लिए लैपटॉप ले रहे हो, डिस्प्ले ज़्यादा मैटर करती है, देन इंटेल i5 10th generation। सो दैट इज़ इट गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी दिन फिर किसी ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।